गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 1/√2 को इरेशनल प्रूव कैसे करते हैं। आइए बिना किसी देर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देते हैं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट 1/√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अपन को ये प्रूव करना है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक मिनट के लिए इसको मान लेता हूँ कि लेट 1/√2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। 1/√2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स 1/√2 इज एन रेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर नहीं है तो ये एक रेशनल नंबर है। इट मीन्स 1/√2 इज एन रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, अगर आपने रेशनल नंबर की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है, तो रेशनल नंबर हमेशा P/Q की फॉर्म के अंदर होता है। P/Q की फॉर्म में होता है। अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको ये P/Q के बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि एक रेशनल नंबर है तो मैं इसके P/Q के बराबर कर सकता हूँ। मैं P/Q और मैं तो साइड में लिख देता हूँ वेयर, जबकि P/Q आर को प्राइम। उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम होता है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, जैसे कि 6/9 को मैं काटूं तो ये कट के क्या आएगा इसकी फॉर्म 2/3। और ये आप किसी से नहीं कटेंगे क्योंकि एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, लास्ट फॉर्म आ गई इसकी, अभी किसी से नहीं पढ़ेंगे। ये तो 2 और 3 को प्राइम नंबर्स हो गए। कौन से नंबर हो गए? को प्राइम्स। ये को प्राइम्स हो गए 2/3, जैसे वैसे के वैसे पी और क्यू को प्राइम नंबर है। अभी इसके आधार पर देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, इसको आधार मानते हैं अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी इसको ये जो हमारे पास आया है इसको सॉल्व करते हैं। क्यू इज इक्वल टू √2P। अभी मैं इधर लिख लेता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, तो क्या आएगा? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2P². और मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और जैसे कि मैंने इधर लिख लिया 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। 6 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है और 6 3 से भी डिवाइड हो रहा है, वैसे कि वैसे q 2 से भी डिवाइड हो रहा है, p से भी डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। क्यू भी पी और क्यू भी है ना 2 से डिवाइड होगा, और मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 2। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ये इतना और ये इतना दोनों ही अलग अलग हैं और बीच में मैंने कोमा लगा रखा है, तो इसको पूरा एक इक्वेशन मान के मत चलना, ठीक है? और अभी अपन सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं कि क्यू इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2, तो मैं इसको क्यू इज़ इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ। और जैसे कि पी और क्यू ये कोई भी दो अल्फ़ाबेट है, तो मैं इसकी जगह एक और अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ। मान लो मैंने ले लिया आर अल्फ़ाबेट। अभी मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4R². और मैं इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अभी मैं इधर लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 3। एक और इक्वेशन नंबर 1 और 3 के हिसाब से क्यू 2P² के भी बराबर है
और क्यू 4r² के भी बराबर, तो 2p² और 4r² एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। 2p² इज इक्वल टू 4r², तो p² इज इक्वल टू 4r² अपॉन 2। एक कट जाएगा तो क्या आएगा, p² इज इक्वल टू 2r². अभी मैं इसको, जैसे कि अपन ने इधर, अपन के ऐसे इधर इक्वेशन बनेंगे q² इज इक्वल टू 2p² और उसके नीचे अपन ने क्या लिखा, q² इज डिविजिबल बाई 2, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, तो उस हिसाब से p² इज डिविजिबल बाई 2, p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2 अपन इधर लिख लेते हैं साइड। क्या लिखना है अपन को कि p² इज डिविजिबल बाय 2, पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। थोड़ा जगह कम है इसलिए इधर मैंने एडजस्ट करके लिखा है। अभी मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम 2 एंड 4, टू इक्वेशन नंबर 2 और 4 के हिसाब से, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कहती है क्यू इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी क्यू 2 से भी डिवाइड है, क्यू 2 से डिवाइड है, और इधर अपन ने लिखा है पी इज़ डिवाइड बाय 2, पी इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी पी भी 2 से डिवाइड है, यानी पी 2 से भी डिवाइड है और क्यू 2 से भी डिवाइड है, तो पी और क्यू दोनों ही एक दूसरे से डिवाइड होंगे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 2, यानी दोनों ही एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो P और Q भी एक दूसरे से डिवाइड होंगे। बल्कि अपन ने इधर माना था कि P और Q को प्राइम्स नंबर है, यानी ये दोनों एक दूसरे से नहीं कटेंगे, बल्कि इधर तो बात गलत साबित हो रही है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है अपन ने जिस चीज़ को माना था उसके खिलाफ जा रहा है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी इसके खिलाफ जा रहा है क्वेश्चन। तो मैं इधर फिर ये लिख सकता हूँ कि 1/√2 इज़ एन इरेशनल नंबर, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूट, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना, उससे पहले आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्लियरली। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।